हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप की कॉलिंग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर आपको शो कर रहा है रिंगिंग या फिर कनेक्टिंग, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कॉल नहीं जा पा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो में मैं आपको तीन मेथड शेयर करूँगा, आपके लिए कोई ना कोई मेथड 101% काम कर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला मेथड देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के, देखिए यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पर आ गया हूँ और व्हाट्सएप को भी मैं ओपन नहीं करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे भी प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट्सएप, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर एक बटन आएगा अपडेट का। आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक करना है कि आपके व्हाट्सएप ने कॉलिंग का जो सिस्टम बिगड़ रहा था वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतना करने के बाद अगर अभी भी काम नहीं कर रहा तो आपको फिर से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स को सर्च करना है, जहां पर हमारी मोबाइल में जितनी भी ऐप इंस्टॉल होती हैं, जहां पर हमें सब ऐप्स शो होती हैं, उसको आपको यहाँ पे चेक करना है। अभी मैं सैमसंग का A30 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐप्स के नाम से हमें एक फ़ीचर मिलता है जिसमें हमारी सभी ऐप्स शो होती हैं। आपके केस में अगर आप रियलमी, रेडमी या फिर अदर कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी किसी मोबाइल में ऐप मैनेजमेंट का फ़ीचर भी मिलता है जहाँ पर सभी ऐप्स शो होती हैं। तो आपको एक बार अपने मोबाइल के मॉडल के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप को सर्च करना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैचे। तो देखिए, आपको क्लियर कैचे करना है, ना कि क्लियर डाटा। क्लियर डाटा बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका व्हाट्सएप का सब डाटा, जो आपकी चैटिंग, कॉल्स, फोटो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर कैचे करना है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक कर लेना है। आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अब आपको फिर से सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको कनेक्शन को चूज़ करना है, अगर सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो। अदरवाइज आपको किसी भी, अगर आप दूसरी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सर्च करना है, डाटा सेवर के नाम से एक फ़ीचर मिलता है मोबाइल में, उसको सर्च करना है। अभी सैमसंग में यहाँ पे डाटा यूजेस के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर आपको डाटा सेवर का ऑप्शन मिल जाता है। हर एक मोबाइल में डाटा सेवर का ऑप्शन होता है, क्योंकि डाटा सेवर क्या करता है, बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन करती है उनको स्टॉप करता रहता है, जिससे आपका जो डाटा है वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अभी सैमसंग की बात कर रहा हूँ, तो सैमसंग का जो है ये फीचर डाटा यूजेस में मिलता है, अदर मॉडल में आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं डाटा सेवर, देखिए अभी ऑन है तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऑन ही रखना चाहते हैं कि भाई आपका जो डाटा है वो कंज्यूम ना हो, तो आप इसको ऑन रख लीजिए और उसके बाद नीचे अलाउ ऐप वाइल डाटा सेवर ऑन, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी सभी ऐप्स की, तो आपको डाटा सेवर व्हाट्सएप के लिए बंद कर देना है। बाकी सब ऐप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका, आपको व्हाट्सएप के लिए बंद कर देना है ताकि आपकी व्हाट्सएप की कॉल चली जाए, ठीक है। इस तरह से बंद कर देंगे। फिर उसके बाद आप सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करिए, रिस्टार्ट करने के बाद चेक करिए, आपका जो व्हाट्सएप है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और नहीं करता है, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर तीसरे मेथड में आपको व्हाट्सएप में जाना है और व्हाट्सएप में तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड डाटा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल्स, ये अगर इनेबल होगा तो आप इसको डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। डिसेबल करने के बाद फिर से आपको व्हाट्सएप को स्टार्ट करना है और कॉल करके चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपका व्हाट्सएप काम करना शुरू कर देगा, कॉलिंग जाना स्टार्ट हो जाएगी, रिंग भी चलेगी और आपकी कॉल भी कनेक्ट हो जाएगी, कॉल रिसीव भी होगी, सब काम होंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए कौन से मेथड ने काम किया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।